हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक कबाब। इसके लिए पैन रख के फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ। इसमें एक चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। एक मीडियम साइज को इस तरह से बारीक चॉप कर रख ली हूँ। इसको एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके रख ली हूँ। इसको ऐड कर लेंगे। आप मोटा चॉप नहीं करना है, इसको बारीक ही चॉप करना है। ये प्याज के साथ ही चार हरी मिर्च को इस तरह से मैं मिक्सर में डाल के मोटा मोटा पीस ली हूँ। इसको भी ऐड कर देंगे। प्याज और मिर्च को 2 मिनट के लिए तल लेंगे हम अच्छे से, थोड़ा भून ना जाए जब तक ये। प्याज थोड़ी तल जाने के बाद इसमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ा ये जब तक इसमें अदरक लहसुन का स्मेल ना चला जाए तब तक इसको भी भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा तल जाने के बाद इसमें अभी हम पाउडर मसाला ऐड कर लेंगे। 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर और 5 स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। और 1/2 स्पून जितना गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको 1 मिनट भूनने के बाद इसमें 1/2 स्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स करके हम इसमें चार आलू लेके इसको बॉईल करके मैश करके रख ली हूँ मैं, इसमें ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे इसमें। इसी के साथ थोड़ा नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे। फ्लेम लो रख के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों में। देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लें हूँ। अब इसको फ्लेम बंद करके साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए दोस्तों, हम आलू का स्टफिंग बना के रख ली हूँ, ठंडा हो गया है। यहाँ 4 ब्रेड के पीसेस लेके इस तरह से ब्रेड क्रम्स करके रख ली हूँ और उबले हुए अंडे 3 ली हूँ। 1 अंडा लेके रखी हूँ। इसमें थोड़ा दूध ऐड करके इसका ये मिक्स कर लेंगे। बस एक आधा कप जितना दूध ऐड कर ली हूँ। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम अंडे को कट कर लेंगे 4 पीसेस में। देखिए इस तरह से पीसेस कट करके रख ली हूँ। अभी हम देखिए थोड़ा 1 मुट्ठी भर इस तरह से आलू का स्टफिंग लेके देखिए इस तरह से ये कर लेंगे। ये करने के बाद इस तरह से ये करके इसमें अंडा रख लेंगे। अंडा रखने के बाद इस तरह से इसको स्टफ कर देंगे अंडे को। देखिए इस तरह से अंडे को स्टफ करके इस तरह से हम बना लेंगे। बना के सारे साइड में रख लेंगे इस तरह से। देखिए मैं सारे जैसे बना के रख ली हूँ। अभी इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं तेल गरम होने के लिए रख चुकी हूँ। तेल गरम हो गया है, अभी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से लेके हमने अंडे का यह बना के रख ले है ना, इसमें डिप कर लेंगे। इसको डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से रोल करके इसको कोट कर लीजिए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड क्रम्स से कोट करके रख लेंगे। देखिए ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद तेल हीट हो गया है। इसमें इसको एक एक को डालते जाएंगे। तेल गरम, एक बार तेल गरम होने के बाद फ्लेम को लो रख लीजिएगा। इसको बिना हिलाए लो फ्लेम में रखे हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह से हल्के हाथ से दूसरी तरफ भी पलट लेंगे हम। देखिए अभी ब्राउन हो गए हैं, ये तल चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए मैं सारे फ्राई कर चुकी हूँ। टिश्यू पेपर के निकाल लीजिएगा, अगर इसका एक्स्ट्रा तेल होगा तो आ जाएगा इसमें। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हैं। देखिए देख सकते होंगे आप कितने अच्छे से बन के तैयार हैं। अब आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।